हाय फ्रेंड, वेलकम टू एक्स्ट्रा ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ स्पेशल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो आपको अन्य वीडियो में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कैनन के जो प्रिंटर होते हैं, जो जी सीरीज़ के जितने भी है, 2000, 2010 एंड 2012, इसमें आप OTG केबल से किस प्रकार से आप प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, चाहे वो फोटो या कोई डॉक्यूमेंट हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपके पास कोई भी मोबाइल है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है एंड आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है नोको प्रिंटर। तो दोस्तों, नोको प्रिंटर जैसे ही आप लिखते हैं, इस तरह का आपको एक प्रिंटर का दिख जाता है। तो आपको क्या करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, नोको प्रिंटर, इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ एंड USB आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, मेरा पहले से ही इंस्टॉल है, तो दोस्तों मैं इसे डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसे इंस्टॉल करने के बाद कुछ फाइल डाउनलोड होती है, तो आपको उस फाइल को डाउनलोड होने देना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी ये मैं बता देता हूँ। एंड उसके बाद तो दोस्तों, फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इस तरह का एक डिवाइस की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, ये डिवाइस आप देख लीजिए, ये एक OTG है जो आपको बाज़ार पर कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ये आपका जो है फ्रंट वाला है, जो दोस्तों आपको एक OTG की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, मैं अपना OTG केबल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास जो OTG है कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों, फ्रंट साइड में ये आपके मोबाइल में लगेगा, जहाँ पर आप चार्जिंग पोर्ट करते हैं वहाँ पर, एंड ये आपके कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। ये मेरे पास जो है मल्टी फंक्शन वाला OTG है, चाहे आपके पास सिंपल वाला वो भी वर्क करेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, इस तरह का एक OTG ले लेना है। एंड आपको क्या करना है, प्रिंटर से जो आ रहा है दोस्तों USB केबल, उसे आपको इसमें सिंपली कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों, इस तरह से आपको क्या करना है, सिंपली इसे कनेक्ट कर लेना है। ये देखिए, हमारा कनेक्ट हो चुका है। एंड आपके पास कोई भी OTG है, उसको इस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपके पास कोई भी मोबाइल है, उसे आपको सिंपली OTG को इस तरह से आप कनेक्ट कर लेंगे। चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, देखिए कनेक्ट होने के बाद दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा लाइट भी जलता है दोस्तों मेरे OTG पर। अगर आपके पास नहीं जलता है तो कोई बात नहीं, आपका जो है डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने OTG यहाँ पर कनेक्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस वाले रॉ पर यहाँ पर आपका जो है कैनन का जी सीरीज 2010 सीरीज आपको OTG के थ्रू कनेक्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। दोस्तों, आपको कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर सेटिंग्स पर नहीं जाना होता है। तो दोस्तों, इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपका डिवाइस, अगर स्टार्टिंग में आपको क्या होगा, यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जाना है। अगर आपके पास कोई वाईफाई सेट है, तो यहाँ पर वाईफाई पे क्लिक करेंगे, ये दोस्तों सर्च करने लग जाता है। अगर आपके पास ब्लूटूथ सेट है, तो आप ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपके पास USB है, तो दोस्तों USB पर आप क्लिक कर लेंगे, तो आपका जो है कैनन का जी सीरीज मॉडल यहाँ पर दिखाने लग जाता है। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पर हमारा कनेक्ट है। तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली तो प्रिंटर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, ये यहाँ पर मेरे कुछ वर्ड के कुछ लिखे हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ से चाहे तो आप अदर डॉक्यूमेंट भी, आप यहाँ फ़ोटो या इमेज भी जाकर यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। एंड आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस तरह से, प्रिंट प्रीव्यू में जाकर आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है, चाहे तो आप कहीं भी जाकर इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक डॉक्यूमेंट निकालना चाहता हूँ, जैसे कि इस तरह का एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास। तो चलिए डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर पर चलते हैं, ये डॉक्यूमेंट। एंड यहाँ पर मेरे पास एक लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह का कुछ मेरे पास लिखा हुआ है MS वर्ड पर। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपना पेपर साइज सेलेक्ट कर लेना है, आपको कितने कॉपीज़ चाहिए यहाँ पर आप बड़ा घटा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पेजेस
आपको इवन एंड ऑड किस टाइप के चाहिए वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप डबल साइडेड प्रिंटेड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है फीचर्स। एंड इसके बाद आप जो है प्रिंट एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना पेपर साइज में A4 सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरा A4 सेलेक्ट है। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली इसे प्रिंट वाले ऑप्शन पर प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों मैं प्रिंट जैसे ही दबाता हूँ आप देखेंगे ये प्रिंट होना शुरू हो जाता है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से ये प्रिंट हो चुका है A4 साइज पेपर में। तो गाइज आपको किसी भी तरह के डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, एंड इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो आने वाले समय पे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।